हमने ओमी कलानी जी ने कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले ही 3 महीना पहले ही आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन घोषित किया था। आमदार कुमार आलानी भी उन्होंने भी कहा था कि डीओके पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्रिमिनल लोग हैं, तो ये जो छवि आपकी दर्शाई जा रही है शहर में उसके बारे में आप बताइए। देखिए आलानी जी ने कहा कि हम अपराधी लोग हैं इसलिए राजनीति के एक हाल ही के इंटरव्यू में प्रदीप रामचंद्रानी भाजपा के जिला अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि टीम ओमी कलानी को उल्लासनगर में केवल 2 से 3 हजार वोट होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो उनकी मानसिकता है, वो कभी खुद चुनाव जीत कर आए नहीं है। उल्लासनगर शहर में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कालानी महल पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया टीम ओमी कलानी और यूटीए यानी कि उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता द्वारा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। वहां पर शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व नगर सेवक मौजूद थे, जहां पर तमाम व्यापारियों ने शहर में हो रहे व्यापारियों की समस्याओं के बारे में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को अवगत कराया, जिस पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने व्यापारियों के साथ हो रही समस्याओं का निवारण के लिए उन्हें आश्वासन दिया। वहां पर 3 दिन पहले टीओके के एक कार्यकारिणी सम्मेलन में वहां पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर दिलगिरी व्यक्त की। वहां पर देखने वाली बात यह सामने आई कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में वहां पर भाजपा पार्टी का कोई भी पदाधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा था। हालांकि कुछ दिन पहले ओमी कलानी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी पार्टी का शिष्टमंडल कलानी महल पहुंचा था और ओमी कलानी को बधाई देने वहां पर आए थे। शहर में इस तरह की राजनीति को बदलाव देखते हुए काफी है लोग हैरान दिखे, क्या कहते हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस विषय पर, आइए जानते हैं। और डीओके पार्टी के पदाधिकारी कमलेश त्रिकम इस विषय पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। और दिलगिरी देखिए व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे दुखे, लेकिन उसके बावजूद आज फिर से ओमी जी ने तुरंत जो है सभी की मीटिंग यहाँ पर लगाई। बड़े दिल से मैं ओमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि बाबा उस दिन जो है हम लोग ने इतनी सारी मीटिंग, इतने लोग वहाँ पर उपस्थित थे और फिर आगे अभी मीटिंग क्यों हम लोग अरेंज करें। कैंसल होने के बावजूद उन्होंने स्टेटमेंट दी, लोगों ने उनको प्रश्न पूछा, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि श्रीकांत शिंदे तो अभी प्रोग्राम में आए नहीं आपके, तो आपका स्टैंड बदलेगा क्या? उन्होंने कहा ये जो हमने स्टैंड लिया है वो किसी विचार से या किसी कॉम्प्रोमाइज या किसी शर्त पे जो है वो स्टैंड लिया नहीं है, ये स्टैंड जो लिया है मैंने वो दोस्ती के खातिर लिया है और दोस्ती के नाते जो है उनको समर्थन देने का काम यहाँ पर किया है। और मुझे लगता है कि ओमी जी की दोस्ती जो है उस उल्लासनगर ने इसके पहले भी देखी है। कुछ कमलेश ने जो है बातें आपके सबके सामने रखी कि जिस जब भी शिवसेना का महापौर जो है ओमी जी ने ओमी जी के माध्यम से आप सभी के माध्यम से वहाँ पर बना, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव भी था, लेकिन उस विधानसभा चुनाव में जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, उन्होंने जब भी महापौर बिठाने का था तभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे कमिटमेंट दो आगे का, मेरे इलेक्शन में जो है काम करना आपको पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति जो है उन्होंने निर्माण नहीं की, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने खुले दिल से जो है शिवसेना को शिंदे साहब को उस टाइम समर्थन दिया और फिर से आज जो है लोकसभा में सबसे पहले जो है समर्थन देने का काम जो है ओमी जी ने, टीम ओमी कलानी ने, आप सभी लोगों ने किया। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का पहला मध्यवर्ती निर्णूक कार्यालय टीम ओमी कलानी की तरफ से उल्लासनगर में ये बोला गया। सबसे पहला एंट्रेंस ऑफिस कल्याण लोकसभा का, जिसका आज हम सब शुभारंभ कर रहे हैं।
इसके इसके बाद हम मजोरिटी कार्यालय के बाद में लगातार 23 जनसंपर्क कार्यालय हम खोलने जा रहे हैं आने वाले हफ्ते में। केवी जनसंपर्क कार्यालय अपने अपने वार्डो में सभी नगर सेवक और माजी नगर सेवक के वार्डो में मंदिर श्रीकांत शिंदे जी कालानी महल में आए थे, वहां पर ऐसा कहा गया कि कालानी महल के तरफ से परिवार के तरफ से बिना शर्त श्रीकांत शिंदे को समर्थन दिया जा रहा है। क्या कहेंगे किस प्रकार की इस बारे में शहर में जो चर्चा चली उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मतलब ओमी कालानी जी ने बिना शर्त ही उनको समर्थन दिया है। इसके पहले भी हमने दिया था ना, हमने कभी आमदार के लिए उनसे कभी गुहार लगाई है ना कभी चर्चा की है। और खासदार साहब ने खुद कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओमी कालानी जी से कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती है। कोई भी हमने ओमी कालानी जी ने कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले ही 3 महीना पहले ही आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन घोषित किया था। और घोषित करने के बाद हम सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए। आज मध्यवर्ती कार्यालय भी हमने खोल दिया, उनके मित्र पक्ष सोए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। कमलेश जी जैसे ये बताया गया है कि श्रीकांत शिंदे जी का भाजपा वाले भी मित्र पक्ष है, ओमी कालानी भी मित्र पक्ष है, और ये भी देखा गया है कि हमेशा उल्लासनगर में विधानसभा चुनाव में कालानी परिवार वर्सेस बीजेपी होती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में श्रीकांत शिंदे किसके साथ दोस्ती निभाएंगे? देखिए वो उनका पर्सनल मामला है कि वो दोस्ती किससे निभाएंगे। एक जगह दोस्ती है, दूसरी जगह मित्र पक्ष है। ओमी कालानी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और मैं भी कह रहा हूँ अपने पक्ष और पार्टी की तरफ से कि हम NDA के घटक पक्ष नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन करेंगे। उसके बाद ओमी कालानी जी विधानसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उल्लासनगर के लोगों की मांग है, हम सभी कार्यकर्ता ओमी कालानी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उत्तर भारतीय समाज के कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आप उल्लासनगर मत समझो, आप इसको आजमगढ़ समझो, तो काफी सिंधी समाज के लोग इसमें ये सवाल के आजमगढ़ शब्द सुन के लोग काफी परेशान, उनको खुलासा कैसा करेंगे आप? देखिए भोजपुरी हमारे उत्तर भारतीय समाज का जो कार्यक्रम था उन्होंने कहा कि आप गाँव तो नहीं जाने वाले हो, उन्होंने कहा कि हम गाँव नहीं जाएंगे। 20 तारीख तक उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करे, अपना हक करे, न कि गांव जाए। 20 तारीख तक समझो कि उल्लासनगर ही आजमगढ़ है, तो इस देश के अंदर आजमगढ़ भी इस देश के अंदर है और उल्लासनगर भी इस देश के अंदर है। आजमगढ़ में क्या है ऐसा कुछ जो आजमगढ़ पे इतनी आपत्ति हो रही है? आजमगढ़ भी एक अच्छा शहर है, उल्लासनगर भी उससे अच्छा शहर है, तो उसमें कोई तुलना नहीं की। उन्होंने कहा कि गाँव समझ कर ही यहाँ पर रुके। लोकसभा चुनाव में उल्लासनगर से कालानी परिवार सबसे ज्यादा वोट श्रीकांत शिंदे को दिला पाएगा क्या भाजपा पार्टी? देखिए लोकसभा चुनाव में जो हमारी ताकत है, ओमी कालानी जी की ताकत है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे 21 नगर सेवक है, 35 पूर्व माजी नगर सेवक हमारे साथ में है, हमारे भावी नगर सेवक है 18, पूरी ताकत के साथ में हमारे संगठन के प्रमुख संतोष पांडे जी है, उनके साथ में पूरा संगठन खड़ा है हमारा। और ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी और पूरा कालानी परिवार जब साथ में रहेगा, जब सभी पार्टियां एक साथ थी उस वक्त पर विधानसभा में हमें 43,000 वोट मिले थे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो हमारे कालानी परिवार की तरफ से आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को जाएगा और सबसे ज्यादा जो लीड है वो उल्लासनगर से होगी। एक हाल ही के इंटरव्यू में प्रदीप रामचंद्रानी भाजपा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि टीम ओमी कालानी को उल्लासनगर में केवल 2 से 3 हजार वोट होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो उनकी मानसिकता है, वो कभी खुद चुनाव जीत कर आए नहीं है। कॉरपोरेशन के चुनाव में उन्होंने 200 से वोट से ज़्यादा लिए नहीं कभी जीवन में, और इसी के कारण उनको लगता होगा कि हम 2 से 3 हजार वोट हैं, जनता को मालूम है जनता किसके साथ में है, उल्लासनगर की आम जनता किसके साथ में है। जो 2-3 हजार वोटों की बात कर रहे थे उनको पता चलेगा विधानसभा में उनकी हालत क्या होगी।
जनरल कुमार अलानी भी उन्होंने भी कहा था कि डीओके पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्रिमिनल लोग हैं, तो ये जो छवि आपकी दर्शाई जा रही है शहर में उसके बारे में आप बताइए। देखिए, अलानी जी ने कहा कि हम अपराधी लोग हैं, इसलिए राजनीति के मैं किसी को समर्थन कर रहे सत्ता पक्ष को। मैं बताना चाहता हूं कि जो हम अपराधी किसको अपराधी बोल रहे हो आप, किसको क्रिमिनल बोल रहे हो, हमारे ऊपर कौन से गुने दाखिल है। हम जो भी पदाधिकारियों के ऊपर गुने दाखिल है वो शहर के व्यापारियों के रक्षा के लिए हमने दाखिल किए। अंडरवर्ल्ड से हम लड़ रहे थे, आज उलहासनगर में एक भी अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं पनप रहा है। हम अंडरवर्ल्ड की ताकतों को उलहासनगर से उखाड़ फेंक रहे थे, हम व्यापारियों को बचा रहे थे, उनकी दुकान बचा रहे थे, उन भूमाफियाओं से लड़ रहे थे। हमारे ऊपर यदि 100 गुने भी दाखिल हुए कि उल्लासनगर के आम नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए, तो हम ओमी कलानी के माध्यम से हम सब तैयार हैं। पर जो बोल रहे हैं कि हम अपराधी लोग हैं, हटियोके के अधिकतर पदाधिकारी अपराधी है, शहरवासियों को यदि सुरक्षा देने के लिए हमको और भी अपराध करना पड़ेगा चलेगा, पर हम झोलर लोग नहीं हैं। हमने मोनार्स के करोड़ों रुपए लोगों के खाए नहीं है। सिंधी समाज के फ्लैट देने के बहाने जो 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला उल्लासनगर में हुआ है वो आमदार जी से पूछना चाहिए। हम अपराधी नहीं है और हमको जानबूझकर अपराधी ठहराया जा रहा है। और यदि शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम अपराधी होंगे तो जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का झोल किया है ये झोलर लोगों को, उनको पहले पूछो कि शहर के नागरिक डिसाइड करेंगे कि अपराधी जो व्यापार की सुरक्षा करने वाला चाहिए कि जो सिंधी समाज के मोनार्च के माध्यम से 100 करोड़ रुपए खाने वाला झोलर चाहिए।